वैश्विक महामारी नूं देखदे होए पूरे देश दे विच लॉकडाउन कर दिता गया। इस लॉकडाउन दे चलदे जिहड़े नौजवान एक सूबे तो दूसरे सूबे गए हुए सन उत्थे ही फस गए। जिक्र खास है कि भारत सरकार दे वलों लगातार इन्हां लोकां नूं उन्हां दे घरां विच पहुंचाउण दा कार्ज किया जा रहा है। इस दे चलदे दिल्ली दे विच फसे कुछ विद्यार्थियों उन्हां दे घर जम्मू कश्मीर दे लई भेजा गया। कुल 18 विद्यार्थियों एक बस दे विच सवार करके उन्हां दे घर भेजा जा रहा सी, पर यह बस जिवें ही हिमाचल के डमडाल इलाके दे विच पहुंची तो यह अपना कंट्रोल खो बैठी और सड़क के किनारे बिजली के खंभे दे नाल जा टकराई, जिस दे चलदे बस दे विच सवार 18 विद्यार्थियों दे विचों 5 नूं गंभीर सट्टां आईयां। दसणयोग है कि जिहड़े बाकी विद्यार्थी ने जिन्हां नूं मामूली सट्टां आईयां ने उन्हां नूं फस्ट एड दे के मैडिकल कॉलेज जम्मू विच रैफर कर दिता गया है। जिक्र खास है कि 5 बच्चों को ज़्यादा सट्ट आन के चलते उन्होंने सिविल हस्पताल पठानकोट में भेजा गया है जिथे उन्हों का इलाज चल रहा है। अज सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के सवेरे सार एक एक्सीडेंट केसिस आए हैं, जो 5 स्टूडेंट थे दिल्ली तो, जो सानू पता चले दिल्ली तो ये जो लद्दाख जा रहे थे और ऑन वे इतने डमटाल लगे इन्हों का एक्सीडेंट होया। पंजों बच्चे जो स्टेबल है उन्होंने एक थोड़ी ज़्यादा सट लगी है, बाकी चारों स्टेबल है क्योंकि बिलोंग करते हैं लद्दाख में, इसलिए लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाल गल करन तो बाद उन्होंने असी रैफर कर दिता है मैडिकल कॉलेज जम्मू, जिथे उन्हों का जोड़ा एक पेशेंट हैगा, बाकी तो सारे हो गए ट्रीटमेंट। एक मैक्सिलोफेशियल थोड़ी प्रॉब्लम है वो ट्रीट करके तो फिर अगे मैनेज कर लेंगे। सुबह करीब 6:30 बजे थाना में सूचना मिली कि संघेड़ पुल के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो जिस पर हम थाना की टीम यहाँ पर मौका पर आई तो यहाँ पर एक यूपी नंबर की बस का एक्सीडेंट हुआ था, सड़क से थोड़ा नीचे उतर गई थी और बिजली के खंभे के साथ उसकी टक्कर हुई थी। इसमें 5 लोग घायल थे जिन्हें हमने सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस में एकदम सिविल हॉस्पिटल पठानकोट ले गए हैं। उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चला है वहाँ पर और एक्सीडेंट का देखते हैं कि इसमें क्या कारण रहा इसमें एक्सीडेंट का। और वहाँ जम्मू जे एंड के प्रशासन को भी इसमें हमने बताया था, हमें कॉल आ रहे थे वहाँ से और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं दुर्घटना के कारण क्या रहे हैं। इस बस में 18 स्टूडेंट थे जिनमें से 5 लोग जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये दिल्ली से आ रहे थे, ये जो वहाँ पर फंसे हुए थे इस लॉकडाउन के कारण, अब ये लद्दाख जा रहे थे। पठानकोट तो जतिन शर्मा दी स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।